बाबा केदार की डोली पहुंचते हुए केदारनाथ पे। और देखिए दोस्तों, ये सामने से डोली आते हुए, डोली ये मंदिर की पूरी परिक्रमा करते हुए और ये पहुंच गई है डोली यहाँ पर। ये देखिएगा बाबा केदार की डोली पहुंचते हुए केदारनाथ पे। आप लोग भी दर्शन कीजिए और बने रहिएगा ब्लॉग में हमारे साथ। जय केदारनाथ। और ये देखिए दोस्तों, ये कपाट खुल गए हैं केदारनाथ के और महाराज जी अंदर जाते हुए। और ये देखिए पूरे कपाट खुल चुके हैं, देखिएगा आप, बने रहिएगा हमारे साथ। जय भोले, जय केदारनाथ। बोछार होते हुए ये देखिए केदारनाथ भवन पे फूलों की बोछार हेलीकॉप्टर द्वारा। जय भोले। और सीएम साहब का भी आगमन होते हुए ये देखिए आप, फूलों की बोछार। हेलीकॉप्टर से फूलों की बोछार। जय भोलेनाथ। देखिए दोस्तों, यह भीमशिला जो आपदा के टाइम पर यहाँ पर आकर रुक गई थी और पूरे मंदिर की सुरक्षा इसी ने की थी। इसने यहाँ से पानी को दो पार्टों में बांट दिया था जिससे कि मंदिर को कुछ भी क्षति नहीं हुई थी। गाइस, हम लोग यहाँ से निकल गए हैं
और यहाँ पर इस समय स्नोफॉल चालू हो गया है और इसी स्नोफॉल में आप निकल रहे हैं। वैसे ही अलर्ट बता रखा था कि स्नोफॉल होगा। ये देखिए किस तरीके से स्नोफॉल होगा। गाइस सब लोग नीचे की ओर उतरते हुए ये देखिए कई लोग घोड़ों से जा रहे हैं, पालकी से वापस जा रहे हैं। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अब रामबाड़ा की तरफ। आप लोग हमारे साथ इसी तरह यात्रा में बने रहिएगा। हमारे पीछे हैं नवनीत सक्सेना और दीपक पांडे। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम बाड़ा पहुंचने वाले हैं, इसके बाद हम गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए टैक्सी लेंगे। देन उसके बाद हम शायद आज उखीमठ रुकें या फिर हम नेगी जी कह रहे हैं कि आज चोपटा रुकते हैं, लेकिन मौसम के करवट को देखते हुए जहां हमें सही मिले वहां हमें रुक जाना चाहिए। इस समय आगे हैं हम रामबाड़ा से आगे मंदाकिनी ब्रिज से और देखिए पीछे से कितने लोग आए जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ रिवर के। देखिए ये मंदाकिनी रिवर और ये सामने आप देख रहे होंगे रामबाड़ा। ये क्रॉस करके हम आ गए हैं और अब मंदाकिनी रिवर क्रॉस कर रहे हैं। देखिए कितना तेज प्रवाह है इसका। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर घोड़े खच्चरों के सबके रेट लिखे हुए हैं और यहीं से घोड़े खच्चर आप लोगों को मिलेंगे। इसे पहुँच करके इनके रेट्स वगैरह देख लीजिएगा। हेलो गाइस, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। सभी को सुबह की सुप्रभात। तो गाइस देखिएगा हम निकल चुके हैं अब यहाँ से अपनी अगली यात्रा के लिए। जो यात्रा है हमारी अब बद्रीनाथ की यात्रा और अभी हम रास्ते में रुके हैं। यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे ब्रास के कितने सारे फूल खिले हुए हैं, ये देखिएगा हमारे पीछे। और अभी हमने ये ब्रास के कुछ पुष्प तोड़े हैं, इनको अभी हम खाएंगे। बोलते हैं ये खाने में बहुत ताकतवर और जान देते हैं। आगे हम इसी तरह यात्रा में आपको और नए नए नज़ारे दिखाते रहेंगे और आप इन्हीं नज़ारों के आनंद लेते रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं अब हम आगे। और अभी हमारे रास्ते में तुंगनाथ टेम्पल भी आएगा, उसके भी आपको भव्य दर्शन कराएंगे। ये देखिए ये गाड़ी से हम जा रहे हैं और अभी यहाँ पर रुके हुए हैं जरा सी देर के लिए और यात्रा अभी हमारी प्रारंभ है। आप गाड़ियाँ देख रहे होंगे हमारे पीछे कितनी गाड़ियाँ और भी निकल रही हैं। सब लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए अब अग्रसर हो गए हैं। तो मिलते हैं अब आपको हम यात्रा में ही आगे और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और यात्रा का आप भी वीडियो के माध्यम से लुत्फ़ उठाइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज अब आपको थोड़ी देर बाद और आपको नए नए नज़ारे दिखाते हुए। जय बद्री जय विशाल। गाइस देखिए ये आगे हैं हम तुंगनाथ। ये है तुंगनाथ महादेव का मंदिर और इस तरीके से कुछ व्यू है यहाँ का। और हम जा रहे हैं इस समय बद्रीनाथ की ओर और ये सामने जो आप टेंपल का प्रवेश द्वार देख रहे होंगे ये है तुंगनाथ टेंपल का प्रवेश द्वार। ये देखिए यहाँ का व्यू। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है नरसिंह देवता का मंदिर जो है जोशीमठ में और यहाँ से डोली इस समय जा चुकी है बद्रीनाथ के लिए और हम लोग अभी नरसिंह देवता के यहाँ पर दर्शन करने के लिए रुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं नरसिंह देवता का टेंपल। ये है नरसिंह देवता का मंदिर। ये देखिए सब लोग दर्शन कर लीजिए। अंदर फोटो खींचना मना है इसलिए बाहर से ही आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। कुछ इस प्रकार से है नरसिंह देवता के मंदिर के यहाँ पर पुजारी जी निवास। पुराने टाइप के हिसाब से बना हुआ है। इस समय हम अब पहुंचे हैं जाके बद्रीनाथ धाम और सामने आप देख रहे होंगे बद्री विशाल मंदिर। देखिए हम पहुंच गए हैं अब केदारनाथ के दर्शन करने के उपरांत बद्रीनाथ और बद्रीनाथ का कुछ इस तरीके से व्यू है और कल सुबह आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ के कपाट खुलते हुए। तो ब्लॉग में हमारे साथ इसी प्रकार कल सुबह भी बने रहिएगा। जय बद्री विशाल।